हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है कंटेनमेंट बोर्ड कामठी, जी हाँ कंटेनमेंट बोर्ड कामठी में आप लोग जो वैकेंसी निकली उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वैकेंसी आप लोग की जो है इसमें असिस्टेंट टीचर, सफाई कर्मचारी और मेल वार्ड सर्वेंट की आप लोग की वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, जिसमें कि 6 दिसंबर 2021 तक आप लोग यहां पे ऑनलाइन अप्लाई होने। इससे पहले ही आप लोग समय से पहले ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे ताकि किसी प्रकार की आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं मैं ये नोटिफिकेशन है कामठी का, ठीक है कामठी का क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन चल रहा है। तो इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग का इस प्रकार का जो है एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग को जो है इसी वेबसाइट से ही होने वाले हैं। डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आप लोग का जो है आगे का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग नोटिफिकेशन रीड कर लेंगे, डायरेक्ट लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी क्या है आप लोग की। इसमें कामठी में वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई की 6 दिसंबर 2021 रहने वाली है। 6 दिसंबर तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस समय से पहले ही आप लोग करेंगे लास्ट डेट से पहले। और कंटेनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट .org से यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। तो इसमें आप लोग को बताया गया है इंडियन सिटीजन है आप लोग, यहाँ इंडियन नागरिक है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 13/11 से 6/12/2021 तक आप लोग 5 बजे तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोग की पोस्ट, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग की पोस्ट कौन कौन सी है। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की, मेल वार्ड सर्वेंट की आप लोग की यहाँ वैकेंसी निकली। असिस्टेंट टीचर में आप लोग को 29,200 से 92,300 सैलरी मिलने वाली। जनरल की 1 वैकेंसी है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी में 15,000 से 47,600 सैलरी मिलने वाली। OBC की 1, ST की 1, जनरल की 1 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। मेल वार्ड सर्वेंट की 15,000 से 47,600 सैलरी, अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो जनरल की जो वैकेंसी है इसमें ST ST OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रिटिकल डेट्स की जानकारी आप लोग को दी गई है। 13/11/2021 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं और 6 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाले हैं। प्रिंट आउट आप लोग निकाल लेंगे फॉर्म का 6/12/2021 तक। और इसके अलावा आप लोग के जो एडमिट कार्ड होंगे रिटर्न एग्जाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वो आप लोगों को कंटेनमेंट बोर्ड .org पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में आप लोग के पास मैसेज भी आ जाएगा इसका। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी हाँ आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। तो असिस्टेंट टीचर के लिए यदि आप लोग 12th पास हैं 50% मार्क्स आप लोग के पास होने चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो आपने एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग विद NCET, या फिर आप लोग हैं 12th पास विद 50% मार्क्स और 4 ईयर का आप लोगों ने बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग NCET आप लोगों ने कर रखा है, या फिर आप लोग हैं 12th पास 50% मार्क्स के साथ और आप लोगों ने कर रखा डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन इन अकॉर्डिंग टू रिहेबलिशमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया RCI, या फिर आप लोग पास डे 12th क्लास आप लोग विद 45% इन डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCTE, तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास CTET या फिर TET आप लोग के पास होना चाहिए और MCIT आप लोग का कंप्लीट होगा 6 मंथ, यानी कि आप लोग का जो है ज्वाइनिंग के 6 मंथ के अंतर्गत आप लोग को MCIT क्लियर कर लेना है। और कैंडिडेट DED BED मैंडेटरी है अंडरगोइंग 6 मंथ, ठीक है। सफाई कर्मचारी 4th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल वार्ड सर्वेंट आप लोग हैं तो 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मेल वार्ड सर्वेंट के लिए। सफाई कर्मचारी के लिए 4th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं 21 से 30 साल आप लोग की एज रहने वाली है। OBC को 3 साल का यानी कि 21 से 33 साल, SC ST वालों को 5 साल का यानी कि 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि OBC SC ST वाले जनरल की सीट पे अप्लाई करते हैं तो उनकी एज 21 से 30 साल ही रहने वाली है। इसके अलावा आप लोगों को नीचे डिटेल दी गई है कैसे कैसे आप लोग को जो है एज में बेनिफिट मिलेगा, इसकी जानकारी आप लोग ले लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जी क्रिटिकल डेट के बारे में आप लोग को जानकारी दी है। 13/11 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, 6/12/2021 तक होने वाले हैं। और प्रिंट आउट आप लोग निकाल लेंगे अपने फॉर्म का 6/12/2021 तक। इसके अलावा एडमिट कार्ड का लिंक आप लोग को मिलेगा वेबसाइट पे आने वाले समय में। मोड ऑफ एप्लीकेशन तो आप लोग के ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई आप लोग के नहीं होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, यही डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। इसके अलावा फीस, जी हाँ फीस की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। 100 रुपये फीस है आप लोग किसी भी कैटेगरी से, जनरल OBC SC ST आप लोग को 100 रुपये यहाँ पे करना ही करना है। ऑनलाइन पेमेंट होगी आप लोग की। एडमिट कार्ड कॉल लेटर आप लोग को जो 15 दिन पहले आप लोग को आ जाएगा, रिटर्न एग्जाम से 15 दिन पहले आप लोग का वेबसाइट पे एडमिट कार्ड आ जाएगा contentmentboard.org.in पे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को डेट टाइम एंड वेन्यू रिटर्न एग्जाम आप लोग को वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। वेबसाइट पे आप लोग जो है विजिट करते रहेंगे, मैसेज भी आप लोग को आ जाएगा। रिटर्न एग्जाम के समय आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह लेके जाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ठीक है। ये जैसे ही रिटर्न एग्जाम आप लोग के स्टार्ट होंगे आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी आप लोग को दी गई, इसमें आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का जो यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है,
तो रिटर्न एग्जाम आप लोग का 100 मार्क्स मीन्स 100 मार्क्स का होने वाले, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के आप लोग के 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक क्वेश्चन सही एक ही आंसर उसमें होगा, ठीक है। 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। इसके अलावा आप लोग को जो है जो स्किल टेस्ट होगा वो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला, डेट एंड टाइम की जानकारी आप लोग को आने वाले समय में वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैसेज से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है OMR सीट, OMR बेस आप लोग का एग्जाम होगा, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम आप लोग का नहीं होने वाला, ठीक है। OMR बेस आप लोग का एग्जाम होगा, रॉन्ग आंसर की आप लोग को पेनल्टी मिलेगी, यानी कि 1/3 आप लोग का यहाँ पे माइनस मार्किंग होने वाली। स्किल टेस्ट जो है आप लोग का ओनली और ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और क्या होना है कैसे होना है इसकी जानकारी जो है ये डिपार्टमेंट तय करेगा, ठीक है। स्किल टेस्ट की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देगी, आप लोग इंडियन नागरिक तो अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप लोग जो है फुलफिल करने चाहिए। इसके अलावा जनरल कंडीशन वगैरह आप लोग को बताया गया। प्रोबेशन पीरियड आप लोग को 2 ईयर का है, कोई DAT आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं तो जो ओल्डर एज का है तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग पढ़ लेंगे NPS वगैरह आप लोग का जो है, न्यू पेंशन स्कीम वगैरह लगने वाली है, और कन्विंसिंग ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टाइम ऑफ स्क्रूटनी, यानी कि जब भी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, तो आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल और फोटो स्टेट आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड आप लोग का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अभी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सर्टिफिकेट, जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी की चीज सारी चीज़ें आप लोग को चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि स्क्रूटनी के टाइम, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है रिजेक्टेशन का क्या कारण है, फॉर्म कैसे आप लोग का रिजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले आप लोग का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। तो 6/12/2021 से पहले पहले आप लोग यहाँ पे जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को इसकी जानकारी दे दूंगा। तो आप लोग देखेंगे जैसे ही आप लोग न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोग का OTP आएगा, OTP डाल के आप लोग का जो आगे का प्रोसेस यहाँ पे फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को फोटोग्राफ और पेमेंट मीन्स फोटोग्राफ आप लोग को सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी 100 रुपये की, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद जो है आप लोग का यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आप लोग जो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आप लोग की पेमेंट होगी, और जो आप लोग का फोटोग्राफ होगा 20 से 40 KB का, सिग्नेचर आप लोग का 10 से 20 KB का यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले से ही आप लोग यहाँ पे स्कैन करा के रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए, आप लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, तो आप लोग को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सर्विस के टाइम, क्या क्या OMR सीट वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ रिटर्न एग्जाम, ठीक है, रिटर्न एग्जाम की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई किया है तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, इसमें आप लोग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश आप लोग की आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, GK आप लोग की 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज वो इंग्लिश में ही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को सिलेबस सब्जेक्ट की जानकारी दी है, आप लोग इसे रीड करेंगे जनरल अवेयरनेस वगैरह। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आप लोग का मेल वार्ड सर्वेंट, जी मेल वार्ड सर्वेंट का भी आप लोग का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का यहाँ पे होने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का पेपर होने वाला है। इसके अंतर्गत आप लोग के जो है सैनिटाइजेशन हाइजीन वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, यानी कि ईजी पेपर आप लोग का होने वाला। रीजनिंग आप लोग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश आप लोग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस आप लोग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग का इंग्लिश में ही होने वाला, यानी कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे आने वाले। सिलेबस की जानकारी आप लोग को दिए गई, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग के आने वाले, रीजनिंग वगैरह में हाइजीन वगैरह में सब कुछ देख लेंगे आप लोग। इसके अलावा सफाई कर्मचारी, जी हाँ सफाई कर्मचारी का भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आप लोग का, OMR बेस आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे आप लोग के। इसमें आप लोग की इंग्लिश आने वाली नहीं है। सिलेबस यानी कि हाइजीन और सैनिटाइजेशन से रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आप लोग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर होने वाला, इंग्लिश का पेपर आप लोग का नहीं है, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है आप लोग, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का पेपर आप लोग को होने वाला है, माइनस मार्किंग 1/3 आप लोग की रहने वाली, शॉर्टकट की वगैरह आप लोग को दी हुई, आप लोग ये सब रीड कर लेंगे। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई कंटेनमेंट बोर्ड काम ठीक के अंतर्गत। तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बना दूंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान से पहले ये कहूँगा, यदि चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अगर रुके। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।